सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, सजा दो घर गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, हम सभी ने मिलकर भगवान राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना की है। 5000 साल बाद भगवान राम एक लल्ला के रूप में अपने घर, अपने धाम यानी कि अयोध्या में विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों है श्री राम लल्ला की मूर्ति का रंग काला? 5 रहस्य छुपे हैं इसके पीछे। चलिए जानते हैं अयोध्या में जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब आप लोगों के दर्शनार्थ मंदिर खुलने वाले हैं। आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी होगी। मूर्ति के दर्शन करना अद्भुत है। क्या आपको पता है कि रामलला मूर्ति की खासियत क्या है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। श्याम शिला से बनी है मूर्ति, क्योंकि श्री राम का रंग भी श्यामल है। करीब 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनी है मूर्ति। हजारों वर्षों तक क्षरण नहीं होगी ये मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गई है मूर्ति। मूर्तियों को पहनाए गए हैं कई कीमती आभूषण और वस्त्र। चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले काले पत्थर की कहानी क्या है? राम लल्ला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में ये काला पत्थर है, परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्ण शिला और श्याम शिला भी कहा जाता है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। दूसरी खासियत, 3 अरब साल पुरानी चट्टान। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की ये मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के HD कोट तलुका में, जयापुरा होवली में मुझे गोदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यह 1 महीने से मध्य दाने वाली आसमानी नीले मेटामॉर्फिक चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोप स्टोन कहते हैं। तीसरी खासियत, हजारों वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। जी हाँ दोस्तों, इस मूर्ति पर भी चाहे कितनी ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, यानी कि मूर्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है, यानी कि वाटरप्रूफ। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होगा। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। चौथी खासियत है मूर्ति की बनावट। जी हाँ दोस्तों, कमल दल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि के लिए काफी ज्यादा प्रचलित है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है, साथ ही साथ इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद के रूप में है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल हैं और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक भी लगा हुआ है। मूर्ति के मुकुट के आसपास ओम, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह हैं, और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को भी बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही साथ कीमती आभूषण और वस्त्र भी बनाए गए हैं। पांचवा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा है कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उनकी आभा बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया।
मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा कि यह देवीय चमत्कार ही तो है, यहाँ कुछ और है। लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ यह शब्द में बयां नहीं कर सकता। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रामायण की कहानी, भगवान राम लल्ला की कहानी, उनकी रोचक जानकारी सुनना और सुनाना पसंद है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।